रिपब्लिक डे के दिन मैं सभी इंडियंस, इंडो कैनेडियंस, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ इंडिया कैनेडियन कम्युनिटी ने बहुत तरक्की की है, इंडिया के लिए, कनाडा के लिए बहुत योगदान दिया है, और हम आशा करते हैं कि ये जो लिविंग ब्रिज है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बने रहे और दोनों कंट्रीज़ बहुत विकास करें। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके अज टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास में समागम का आयोजन किया गया, जिथे बड़ी गिणती में भारतीय मूल के लोग, भारतीय फौज तो सेवा मुक्त फौजी अफसर और कैनेडा में भारत के डिप्लोमैट शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के इस समागम में भारत की देशभक्ति, देश प्रेम संबंधी प्रोग्राम भी पेश किए गए। इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत डाइवर्स है, बट एक बात यह हमें देखने को मिलती है कि अभी भी अपने रूट से बहुत कनेक्टेड है, इंडिया से कनेक्टेड है। कुछ लोगों के एफर्ट्स होते हैं कम्युनिटी को डिवाइड करने में, पर ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब बहुत उत्साह से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, और पूरी कम्युनिटी एक होकर खड़ी है। समागम विच परफॉर्म कर रहे कलाकारां दा कहना सी कि रोजमर्रा दी जिंदगी विच भावें उन्हां नूं अभ्यास करन दा इन्ना समां नहीं मिलदा, पर भारत दे देश प्रति उन्हां दा प्यार ही इन्ना है कि वो कैनेडा विच भी अपने सभ्याचार नाल जुड़े रहिंदे हन। We all are working women, so it becomes really difficult to take the time out. So if you take a evening ka agar hum log ne time nikala, to at least we need the 15-20 days. But if we perform like professionally, and then it may take to the 1 week also for such a song. But again, our passion for the music and dance, I think, drives us to perform and to spend time whatever it is required. इस समागम नूं देख के पुजे हाजरीनां दा कहना सी कि इह पेशकारियां देख के उन्हां नूं अपने स्कूल विच हुंदे 26 जनवरी दे समागम याद आ गए। जो आज यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हुआ उससे बचपन याद आ गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम अपने राष्ट्रगान को गाते हैं। इसी के साथ कल्चरल एक्टिविटीज को जिस तरह से आज यहाँ पर कौंसलेट जनरल ने अरेंज की है, ऑर्गेनाइज की है, सारी टीम ने, काबिले तारीफ है। हालांकि भारत और कैनेडा विचकार पिछले साल कूटनीतिक रिश्तों में खटास पैदा हो गई सी जदों प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरी के खालिस्तानी आगू के कतल पिछे भारत के हाथ होने का दोष लगाया सी, अते भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडा वासियों लिए अपने वीजे बंद कर दिते सन अते कैनेडियन डिप्लोमैटा नूं भारत तो बाहर का रास्ता दिखा दिता सी, पर आम लोगों नूं उम्मीद है कि इस साल भारत और कैनेडा के रिश्ते चंगे होंगे। ये अनफॉर्चुनेट खटास सी, कुछ एक मिस परसैप्शन की भी गल हो सकती है, कुछ एक पॉलिटिक्स भी हो सकती है, पर मेरा ख्याल वो जड़ी हैगी है खटास हौली हौली उन्हों रिकनसाइल हो रहे दोनों कंट्रिया दे विच। रिएक्शन मेरे ख्याल शायद थोड़ा जहा ज़्यादा हो गया सी दोनों पासों। असी उम्मीद करते हैं कि इस खटास नो अगे मिटाया जाएगा। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा।